हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड इन माय क्लास अगेन। आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2, जिसमें अपन बात करेंगे, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशंस के कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था ये बात कर लेते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें अपन ने पेयर्स देखे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। सबसे पहले तो अपन ने यही पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या। ठीक है, ये तो आप 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक है, इसके बारे में देखा था, उसके बाद हमने इसके पेयर्स पढ़े थे। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ठीक है, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म इसका था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, a1x + b1y + c1 = 0, एंड सेकंड था a2x + b2y + c2 = 0। इस टाइप की अपन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखने को मिलती हैं, और ये इसके पेयर है। ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अगर कोई दो इक्वेशन इस तरीके से लिखी होती थी तो हम बोलते थे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर हैं, ये तो बोलते थे ना। अब देखिए, अपने लास्ट क्लास में अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि किस तरीके से अगर हमको लैंग्वेज दी हो तो उससे हम लोग किस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म करेंगे और उसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ज्योमेट्रिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। आज का जो लेक्चर है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपन देखेंगे कि इन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के भी टाइप होते हैं, मतलब कि कितने टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस लीनियर इक्वेशन के, ये देखेंगे। अब भाई, हमने जो पिछला क्वेश्चन अपना किया था आफ्ताब वाला किया था, एंड जो अंगूर एंड सेब वाला जो क्वेश्चन किया था अपन ने, उसमें तो हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म की थी ना, ये तो नहीं बताया था ना कि उसके कितने सॉल्यूशन या किस टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो अपन ने नहीं देखा था, इस पर केवल ग्राफ शो करना देखा था। अब उसके सॉल्यूशन भी तो हमको निकालना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू भी तो अपन को निकालनी है। तो आज अपन देखने वाले हैं कि इसमें किस टाइप के सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात क्या जानते हैं, इम्पॉर्टेंट बात हम लोग जानते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उसकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ये बात, हमने बताई है, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा। ठीक है, तो आपने बताया था कि भाई साहब, अगर हम लोग इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि नहीं, कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ देखा, तो हम इसी के बेसिस पे कुछ केस बने हुए हैं हमारे, उन केस पे चर्चा करेंगे और जिससे हमको पता चलेगा कि किस टाइप के हमारी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो तीन टाइप के केसेस बनते हैं यहाँ पर, उन केस के बारे में हम चर्चा करते हैं, और बड़े ही इंपॉर्टेंट केस हैं वो, जो हमारी इस एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करवाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे। पहला केस, मान लीजिए हमने कोई लाइन ले ली, ठीक है, हमने कोई इक्वेशन ले ली जिसकी लाइन एक ये है। ठीक है, पहली इक्वेशन की लाइन ये है, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, एंड दूसरी इक्वेशन की लाइन है हमने मान लिया ये है। ठीक है, ये अपन ने ले लिया सेकंड इक्वेशन। ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हमने बोला ये कोई लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन अपन मान लें, हमने मान लिया a1x + b1y + c1 = 0, इसको अपन मान लेते हैं a2x + b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0। इस तरीके से अपन ने लाइन ले ली। अब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वहाँ पे हम बोलेंगे कि इनके क्या मिल रहे होंगे, हमको सॉल्यूशन मिल रहे होंगे, यानी हम बोलेंगे यहाँ पे हमको x एंड y की वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, तो अगर कोई लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करती है तो हम बोलेंगे इन इक्वेशन के, इन लाइन का जो सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर हम बोलेंगे इन पेयर्स का जो इक्वेशन का जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा वो केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन फॉर्म होगा अपन को। ठीक है, और ऐसे इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, बुक में आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, या फिर हिंदी में बोलते हैं संगत, याद रखिएगा इसको। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे, क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। बात समझ में आ गई, तो जहाँ पर कोई लाइन एक दूसरे को केवल एक ही पॉइंट पे कट करेंगी, ठीक है, वहाँ पे जो हमको सॉल्यूशन मिलेंगे इक्वेशन का, वो केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन फॉर्म होगा, और उसका नाम होगा क्या, यूनिक सॉल्यूशन।
ठीक है, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक, सेकंड केस की बात करते हैं, केस नंबर सेकंड अपन से क्या बोल रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक लीनियर इक्वेशन ले ली जिसकी ये लाइन बन गई। ठीक है, ये हमारी पहली लीनियर इक्वेशन की लाइन। दूसरी हमने कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी जिसकी लाइन इसके जस्ट ऐसे पैरेलल जा रही है, यानी कि जो ग्राफ आता है दोनों इक्वेशन का उनके बीच में जो लाइंस बनती हैं अपन की, वो कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि कोई भी लाइन एक किसी भी पॉइंट पर वो कट नहीं करेंगी, ये दोनों लाइन क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम बोलेंगे इस केस में जो x एंड y की वैल्यू है वो हमको फॉर्म नहीं होगी, हम बोलेंगे यहाँ पर हमको कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा, हम बोलेंगे ये कैसा है, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है आपको, समझते जाइएगा, केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, अभी आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर अगर कोई दो लाइन, ठीक है, ग्राफ पे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, उन लाइन की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन ही, हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, तो हमने बोला अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसको अपन क्या जानते हैं, इनकंसिस्टेंट के नाम से जानते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हैं असंगत, क्या बोलते हैं इसको, असंगत बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा केस हो गया। तो देखिए सॉल्यूशन कितने कितने टाइप के, दो टाइप के तो हमने देख लिया, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, एंड इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है ना। चलिए थर्ड केस देख लेते हैं इसी के अंदर, केस नंबर थ्री। अब केस नंबर थ्री क्या है, मान लीजिए पहली इक्वेशन है जो हमारी कुछ इस टाइप से दी हुई है, ये पहली इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, अब जो दूसरी इक्वेशन की लाइन अपन बनाते हैं वो क्या हो जाती है, इसी के ऊपर कॉन्साइड कर जाती है, यानी कि मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए दूसरी इक्वेशन ये है हमारी, ठीक है, ये अब क्या है, ये जो लाइन की इक्वेशन है इसके जब अपन ने सॉल्यूशन को जब ग्राफ पे डिनोट किया, यानी कि इसका ग्राफ बनाया, तो इसके ऊपर ये क्या कर गई, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन के ऊपर ही कॉन्साइड कर गई। ठीक है, इसी के ऊपर क्या हो गई, चढ़ गई। जब ऐसा केस आता है कि दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाती हैं, तो वहाँ पर जो इक्वेशन के सॉल्यूशंस आते हैं वो कई सारे सॉल्यूशन आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। हमने क्या बोला था, अगर कोई दो लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है तो उनके एक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, अगर कट ही नहीं कर रही है तो उनके सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये इसके ऊपर कॉन्साइड कर रही है, यानी कि ये लाइन दूसरी वाली जो लाइन है ये पहली वाली लाइन को हर एक पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर्म होंगे। कितने, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर्म होंगे हमको। बात समझ में आ रही है, इतना बात समझ में आया ना। तो ये तीन केस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है। अब जैसे हमको बताना होगा, कोई हमको लीनियर इक्वेशन दी होगी, ठीक है, और हमको बताना होगा कि बताइए ये हमारी कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, या फिर इसके कई सारे सॉल्यूशन होंगे, तो उसको हम लोग किस तरीके से बताएंगे। अगर मान लीजिए हमको दो इक्वेशन बनानी है या फिर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या हमको यही सारा काम करना पड़ेगा कि भैया पहले हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उन इक्वेशन को ग्राफ पे दिखाना पड़ेगा, फिर हमको देखना पड़ेगा एक पॉइंट पे कट कर ली या पैरेलल है, या फिर ये सारी चीज़ें हैं, इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा तब हम ये सारी चीज़ें बता पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमको कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, अगर हमको इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, ऐसा पता चल जाए कि हम लोग इक्वेशन को देख के ही क्या कर लें, हम लोग बता सकें कि ये हमारा कंसिस्टेंट वाला है या इनकंसिस्टेंट वाला है, या फिर हमारा मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला है, तो कितना मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर अपन को भैया इक्वेशन देखते ही पता चल जाए कि ये इसमें हमको जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो किस टाइप का मिलने वाला है, तो मज़ा आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर, अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी ना, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के जरिए ही हम लोग पता करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें हम लोग इक्वेशन को देख के ही कैसे बता सकते हैं कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख लेंगे, अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ जाते हैं भैया हम लोग, और देख लेते हैं कि किस टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे कब, और इक्वेशन को देख के हम लोग किस तरीके से पता करेंगे।
ठीक है, क्योंकि ग्राफ पे अगर हम जो रिप्रेजेंट करना होगा तो वो वाला प्रोसेस बड़ा लंबा होगा। देखिए हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे बताइए, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू में जीरो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको मान लिया अपन ने पहली। ठीक है, दूसरी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू में जीरो। अब ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की वैल्यू तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ये सब क्या है हमारे रियल नंबर हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई क्या है वेरिएबल्स हैं, ये तो आपको पता ही है, हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये दो इक्वेशन अपन को दी हुई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखिए कैसे पता करेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब अगर केस फर्स्ट की बात करें तो केस फर्स्ट में हमने क्या देखा था, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, देखिए केस फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन अपन को कब मिलेगा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने पर, तो यूनिक सॉल्यूशन हमको तब मिलेगा अगर ये हमको दो इक्वेशन दी हुई हैं और हम बोल रहे हैं अगर ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू के ना हो, यानी कि इस वाले इन दोनों इक्वेशन के जो रियल नंबर हैं एक्स का कोफिशियंट है, ठीक है, उसका रेशियो अगर वाई के कोफिशियंट के रेशियो के बराबर नहीं है तो उस केस में जो सॉल्यूशन अपन को मिलेगा वो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर हम बोलेंगे जो इक्वेशन आएंगी वो कैसी आएंगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, कैसी आएंगी, कंसिस्टेंट। बात समझ में आ रही है। अब अगर इसी में हम लोग बात करें केस सेकेंड की, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को देख के ही बता सकते हैं कि ये कैसा मिलेगा। अब हमने इक्वेशन देखी, उसमें देखा ए वन ए टू का रेशियो बी वन बी टू के रेशियो के बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला तो भैया एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि अगर हम इन इक्वेशन के सॉल्यूशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, वो उस लाइन जो लाइनें होंगी वो उसको क्या कर रही होंगी, एक पॉइंट पर कट कर रही होंगी, तो भैया यहाँ पे जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा इक्वेशन का। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बिना ग्राफ को खींचे बता दिया। ठीक है, अब सेकंड केस में हमको क्या बताया गया था कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी पैरेलल लाइंस मिलेंगी, तो ऐसा कब होगा, देखिए अब हमको नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब ए वन ए टू, ठीक है, ए वन अपॉन ए टू का रेशियो बराबर हो बी वन अपॉन बी टू के रेशियो के, बट ये नॉट इक्वल हो सी वन अपॉन सी टू के रेशियो के, तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वेशंस होंगी ये कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, यानी कि इनमें जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कोई भी सॉल्यूशन अपन को फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे कि नो सॉल्यूशन फॉर्म, इनकंसिस्टेंट टाइप की अपन को इक्वेशन फॉर्म होंगी जब हमको इस टाइप की कंडीशन मिलेगी। ठीक है, हमने इक्वेशन देखा और तुरंत बता दिया कि ये कैसी है, इनकंसिस्टेंट टाइप की है। ठीक है, अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी जब अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग केस लिखते जाइए, समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें केस थर्ड की, तो केस थर्ड में हमने क्या देखा था कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब अपन को फॉर्म होंगे, तो उसकी भी कंडीशन है, उसकी कंडीशन क्या है, जब ए वन अपॉन ए टू का रेशियो बराबर हो जाए बी वन अपॉन बी टू के रेशियो के और वो बराबर हो जाए सी वन अपॉन सी टू के रेशियो के, तो इस केस में जो ये इक्वेशन लिखी हुई हैं, ठीक है, इन इक्वेशन के जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो कई सारे सॉल्यूशन अपन को फॉर्म होंगे। तो तीन टाइप हमने पढ़ा ना, किन्हीं भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तीन टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक कंसिस्टेंट, एक इनकंसिस्टेंट और एक होता है हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कंसिस्ट वाले को यूनिक सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट वाले को नो सॉल्यूशन। तो ये सारी कंडीशन है जिससे हम लोग इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि किस तरीके के किस टाइप के सॉल्यूशन अपन को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेकिन इससे पहले आप लोग ये कंडीशन नोट कर लेंगे। ओके, चलिए नोट करिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, ये तो आप लोग कर चुके हैं, चलिए फिर से मैं कराता हूँ। क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, टेंथ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10
took a part of mathematics quiz. If the number of girls 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है, देखिए मैं समझाता हूँ इसको एकदम इजी वे में क्या बोल रहा है क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट जो आपको बोला, आपसे बोल रहा है कि भैया कि इक्वेशन बनानी है, उसको ग्राफ पे शो करना है. उसमें पहला पार्ट क्या बोल रहा है, क्लास टेंथ के कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो उनके स्कूल में एक मैथमेटिक्स की क्विज होती है, जिसमें हमारे मतलब कि कुछ बच्चे, कुछ लड़के और लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं. ठीक है, टोटल लड़के एंड लड़कियों की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है. आपसे बोल रहा है 10 स्टूडेंट हैं, यानी कि 10 स्टूडेंट हैं क्लास टेंथ के. कौन सी क्लास है, क्लास टेंथ के 10 स्टूडेंट हैं, और वो क्या करते हैं, कोई मैथ की क्विज है जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं. ठीक है, आपसे बोल रहा है कि उस क्विज में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें जो लड़कियों का संख्या है, लड़कियों का जो नंबर है, वो 4 ज़्यादा है लड़कों की संख्या से. नहीं समझ में आई बात, हमने बोला जो लड़कियों का नंबर है या फिर लड़कियों की जो क्वांटिटी है, वो 4 मोर देन है, यानी कि 4 लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों से. ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि लड़के 4 कम हैं लड़कियों से. बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे तुमसे क्या बोला हुआ है कि 4 लड़के ज़्यादा हैं, सॉरी 4 लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों से. तो भैया यहाँ से इक्वेशन अब फॉर्म करते हैं और यहाँ इसको ग्राफ पे शो करना है. देखिए यहाँ से पहली इक्वेशन तो ऐसे फॉर्म होगी. सबसे पहले हम सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं उस क्विज में, या फिर हम बोलेंगे जितने बच्चे, 10 बच्चे टोटल उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, 10 में से हम बोलेंगे कि जो हमने गर्ल्स का नंबर सपोज किया है, वो हमने सपोज कर लिया एक्स. हमने बोल दिया कि 10 स्टूडेंट हैं जिसमें में से लड़कियों की संख्या एक्स है. ठीक है, एंड लेट नंबर ऑफ बॉयज, और लड़कों की संख्या अपन ने क्या मान ली, वाई मान ली, हमने ये मान लिया. तो उन्होंने बोला जो क्विज में टोटल स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हैं हमारे 10. तो हम बोलेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 10. पहली इक्वेशन तो हमको यहीं से फॉर्म हो गई. हमने बोला लड़कियों की संख्या एक्स है, लड़कों की संख्या वाई है, तो टोटल स्टूडेंट 10 है. तो हम बोलेंगे इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं, 10, यानी कि एक्स लड़कियाँ एंड वाई लड़के मिलाकर टोटल स्टूडेंट 10 हो रहे हैं. ये हमारी पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई. ये इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई, ये तो समझ में आ गया ना, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी. तो भैया 10 स्टूडेंट टोटल हैं, लड़कियों की संख्या अगर एक्स है, लड़कों की संख्या अगर वाई है, तो दोनों को जोड़ के इनके बराबर नहीं होगा. तो हम बोलेंगे ये इक्वेशन हमारी एक फॉर्म हो गई. अब इसमें क्या बोल रहा है कि लड़कियाँ हमने माना है एक्स, ठीक है, लड़के हमने माना है वाई. अब बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है. तो पहली बात तो हमको इनको इक्वल करना है कि लड़के हैं और लड़कियां हैं. अब तुमसे बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या है, 4 ज़्यादा है. तो भैया लड़कियों की संख्या अगर पहले से 4 ज़्यादा है, और हमको इनको क्या करना है, बैलेंस करना है, क्योंकि इक्वेशन हमको बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, और इक्वल का मतलब होता है बैलेंसिंग करना. तो इनको जब बैलेंस करना है अपन को, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया एक्स, एक्स हमारी क्या है, एक्स की वैल्यू 4 ज़्यादा है वाई की वैल्यू से, ना हम बोलेंगे कि लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है लड़कों की संख्या से. तो हम क्या बोलेंगे कि ये पहले से 4 ज़्यादा हैं, तो अगर हमको इसको 4 ज़्यादा करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 को ऐड करना पड़ेगा. ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन. बन गई कि नहीं बन गई. अब इस तरीके से हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पेयर तो फॉर्म कर लिया. अब इसको क्या करना है, इनके सॉल्यूशन को ग्राफ पे हमको रिप्रेजेंट करना है. किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं अपन, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर हमको भैया इक्वेशन तो मिल गई, अब हमको डब्बा बनाना आता है. डब्बा बनाना आता है तो भाई साहब जल्दी से डब्बा बनाइए और एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, ठीक है, दोनों इक्वेशन के लिए, और फटाफट से इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं डब्बा. अब अपन ने इस तरीके से बना लिया डब्बा, ठीक है. अब देखिए करेंगे क्या, अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पे, पहली वाली इक्वेशन के लिए, ये पहली वाली इक्वेशन का डिब्बा, ये दूसरी वाली इक्वेशन का डिब्बा. पहली वाली इक्वेशन में अगर हम वाई इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू 10 मिलती है. मिलती है कि नहीं मिलती है. इसी तरीके से अगर हम वाई की वैल्यू 5 रख दें,
y की वैल्यू क्या रख दें 5, तो ये 5 इधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी कितनी मिली 5 मिली। इस तरीके से आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जितने ज़्यादा सॉल्यूशन उतनी स्ट्रेट अच्छी लाइन बनेगी। तो दो सॉल्यूशन हमने निकाल लिए हैं, ठीक है, बाकी आप निकाल सकते हैं कितने भी। अब यहाँ पर देखिए, अगर अपन x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू कितनी रखते हैं 0, तो y की वैल्यू अपन, सॉरी x की वैल्यू बता रहा हूँ, y की वैल्यू मैं अगर 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू अपन को 4 मिलती है। देखिए इस इक्वेशन से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आराम से मिलेगी। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे मैं y की वैल्यू 2 रख देता हूँ, y की वैल्यू कितनी रखूँगा 2 रखूँगा, तो x की वैल्यू अपन को 6 मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन के इक्वेशन फॉर्म हो गई, मतलब कि इक्वेशन के सॉल्यूशन भी मिल गए। अब अपन को क्या करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे छोटा सा ग्राफ, इस तरीके से दिख रहा है ना आप लोगों को, ये ग्राफ अपन ने बना लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब कुछ मेजरमेंट कर लेंगे हम लोग, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये 10, ठीक है। नेक्स्ट आपसे वाई एक्सिस पे भी कर लेते हैं इस तरीके से मेजरमेंट, ठीक है। ये ग्राफ आप लोग स्केल से बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये रही 10, ठीक है। इस तरीके से अपन ने ग्राफ शो कर लिया। अब इन जो सॉल्यूशन निकले हैं एक्स एंड वाई, इसकी वैल्यू अपन को ग्राफ पे दिखानी है। हमसे बोला अगर एक्स पे 10 चलता है तो वाई पे कितना चलता है 0, यानी कि एक्स पे इसने चला 10 और y पे इसने कितना चला 0, तो ये वाला एक पॉइंट हमको मिल गया, ये पॉइंट क्या है 10, 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हमसे क्या बोला, अगर x पे 5 चलता है तो y पे भी कितना चलता है 5, यानी कि x पे अगर 5 चला तो y पे भी कितना चलेगा 5, तो एक पॉइंट तो अपन को कहाँ मिला, यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ये वाला। तो हम बोलेंगे ये पॉइंट क्या है 5, 5 है। अब नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें, पहले इनको हम लोग मिला देते हैं, जब मिलाएंगे तो देखेंगे कि इसकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी अपन को, इस तरीके से मिली कि नहीं मिली एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरी वाली इक्वेशन की, यानी इस वाली इक्वेशन की। इस वाली इक्वेशन में क्या देखेंगे, एक्स वाई की वैल्यू 0 रखते हैं तो एक्स की 4 मिलती है, वाई की 0 पे एक्स की 4 मिली, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला अपन को, ठीक है, ये पॉइंट क्या है 4, 0, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, y की वैल्यू 2 रखने पे x की वैल्यू 6 मिलती है, यानी कि हम y पे 6 चलते हैं तो x पे कितना चलते हैं 2 चलते हैं, यानी एक पॉइंट अपन को ये मिला, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को अगर अपन ऐसे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब ये क्या कर रही है, दोनों को एक पॉइंट पे, ये दोनों लाइनें क्या हैं एक पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसके क्या होंगे सॉल्यूशंस होंगे। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ से हमको x एंड y की वैल्यू मिल सकती है। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया ना, हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए अगर x एंड y की वैल्यू अपन को चाहिए तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे एंड यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। जहाँ पे लाइन ये दोनों एक दूसरे को मेजर कर रही होंगी वही पॉइंट जो होंगे यहाँ पे वो x एंड y को डिनोट कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही। अब देखिए यहाँ से अगर हमको शो करना है कि ये दोनों इक्वेशन हमारी सही हैं या फिर गलत हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए अब यहाँ से जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो ये 7 पे आके मिलती है, ठीक है, एंड यहाँ पे जब खींचते हैं तो ये किस पे आती है 3 पे आती है। बात समझ में आ रही, यानी ये वाले जो पॉइंट अपन को मिले ये कौन से मिले 7, 3 मिले, ये इसके क्या मिल गए सॉल्यूशन। अब देखिए करना क्या है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन मिल गया। अब क्या हमको ये प्रूफ करना है कि ये सॉल्यूशन सही है कि गलत, प्रूफ करना चाहते हैं। तो अगर अपन x की वैल्यू 7 रखते हैं और y की वैल्यू 3 रखते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 7 हो गए, टेन हो गए, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आई, यानी x की वैल्यू कितनी है 7 एंड y की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 है एक क्विज में, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 4 हैं, ठीक है, ये बात समझ में, सॉरी 3 है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3 है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ गया, यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे टोटल स्टूडेंट तो 10 है जिसमें से 7 लड़कियाँ और 3 लड़के हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें ये वाली इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई हो, तो ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब बोल रहा है कि जो लड़कियाँ हैं वो 4 ज़्यादा हैं लड़कों से, 4 ज़्यादा हैं लड़कों से, तो यहाँ पे देखिए अब लड़कियों की संख्या है 7 और लड़कों की संख्या है 3, तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही का तो डिफरेंस आएगा, तो हम बोलेंगे इसमें जो लड़कियाँ हैं वो कितनी है 4 ज़्यादा हैं लड़कों से। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया,
ठीक है। अब इसी में सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है, वो आप करेंगे, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कॉन्साइडेंट। यानी कि आपसे बोल क्या रहा है, यहाँ पे देखिए आपसे बोल रहा है आपको कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं जिनमें आपको कंपेयर करके बताना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 का रेशियो कंपेयर करके बताना है कि ये हमारी, ठीक है, पैरेलल वाली होंगी, यानी कि हमारी जो इक्वेशंस होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी या पैरेलल होंगी या एक दूसरे को कॉन्साइड कर रही होंगी। बात समझ में आ रही है, जो आपको तीन केस हमने बताए ना, अब वो यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आपको दी हुई है 5x - 4y + 8, ठीक है, = 0। एंड नेक्स्ट दी हुई है 7x + 6y एंड -9 = 0। इसी का सेकंड पार्ट अपन बात करें अगर, तो दिया हुआ है आपको 9x + 3y, ठीक है, +12 = 0। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट भी आपको दिया हुआ है, थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट है 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। ये आपको दी हुई है, ठीक है, तीन इक्वेशन आपको दी हुई है। इस तरीके से आपको बताना है इसमें से कौन सी आपकी A1/A2, B1/B2, C1/C2 का रेशियो चेक करके आपको ये बताना है कि कौन सी आपकी पैरेलल वाली है, कौन सी आपकी इंटरसेक्ट कर रही है और कौन सी आपकी कॉन्साइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको केस पता है ना, तीनों केस पता है, तो पहली वाली के ऊपर हम केस अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर A1/A2 की वैल्यू बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो एक सॉल्यूशन आएगा और ये जो कैसी होगी हमारी जो इक्वेशन होंगी वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, A1/A2 का अगर रेशियो देखें तो ये है 5/7 और अगर इसका रेशियो देखें तो ये है 4/6 B1/B2 का रेशियो। तो अगर मैं इसको डिवाइड भी करता हूँ तो ये आता है हमारा 2 2 4 एंड 2 3 6, तो यहाँ से 5/7 इज नॉट इक्वल टू है 2/3 के। यानी कि यहाँ पे अगर अपन बात करें तो A1/A2 का रेशियो नॉट इक्वल टू है B1/B2 के रेशियो के, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे ये कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यानी हम बोलेंगे ये इक्वेशन कैसी है हमारी, इंटरसेक्टिंग वाली है, कैसी है, इंटरसेक्टिंग वाली। बात समझ में आ रही है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, या फिर हमने इसको क्या नाम दिया था, कंसिस्टेंट नाम दिया था, वो भी बोल सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले में अगर अपन देखें तो यहाँ पर A1/A2 का रेशियो 9/18 इक्वल टू में B1/B2 का रेशियो 3/6 इक्वल टू में अगर C1/C2 का रेशियो देखें तो 12/24 है, ठीक है, इस तरीके से है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 9 2 18 होता है, 9 1 9 होता है, यानी 1/2 इज इक्वल टू में 3/2 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, ठीक है, यहाँ से करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। यानी कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि तीनों क्या हो जा रहे हैं, बराबर आ जा रहे हैं। ये कौन से केस में होता था भाई, ये तो थर्ड वाले केस में होता था जब दोनों इक्वेशन की लाइन आपस में एक दूसरे को कॉन्साइड कर साती थी, या तभी तो होता था ना कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, A1/A2 का रेशियो बराबर हो जा रहा है B1/B2 के रेशियो के और ये बराबर हो जा रहा है C1/C2 के रेशियो के। यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेगा, ये जो लाइन मिलेंगी ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, कॉन्साइड कर जाएंगी, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेंगे इक्वेशन के कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना अच्छे से। चलिए इसी तरीके से आप लोग थर्ड वाली इक्वेशन का पता करेंगे और बताएंगे हमको, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्या आएगा, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे अगर A1/A2 का रेशियो देखें तो 6/2 आता है, यहाँ पे B1/B2 का रेशियो देखें तो यहाँ पे आता है हमारा 3/1 और अगर C1/C2 का रेशियो देखें तो कितना आता है 10/9, ठीक है।
इस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे ए वन अपॉन ए टू का रेशियो ही आपको क्या दिख रहा है, ए वन अपॉन ए टू का रेशियो तो बराबर है बी वन अपॉन बी टू के रेशियो के। यहाँ पे देखिए थ्री अपॉन में वन आ रहा है, इज इक्वल टू में थ्री अपॉन में वन आ रहा है, लेकिन ये सी टू सी वन अपॉन सी टू के रेशियो के बराबर नहीं है। हम बोलेंगे कि यहाँ पे ए वन अपॉन ए टू का रेशियो बराबर है बी वन अपॉन बी टू के रेशियो के, लेकिन ये नॉट इक्वल है सी वन अपॉन सी टू के रेशियो के। ये किस वाले केस में होता था भाई साहब, ये तो होता था जब दो लाइन अपन को पैरेलल मिलती थी, यानी कि इनकंसिस्टेंट वाले में होता था ये हमारा प्रोसेस। यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलते थे ये कैसे सॉल्यूशन मिलते थे, नो सॉल्यूशन मिलता था। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इस वाली इक्वेशन के लिए जो लाइन मिलेंगी अपन को वो कैसी लाइन मिलेगी, पैरेलल लाइन मिलेगी। पैरेलल लाइन को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन को कैसी लाइन मिलेंगी, कौन साइड, और यहाँ पे अपन को किस तरीके से लाइन मिलेंगी, इंटरसेक्ट वाली। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बता दिया कि इसमें किस टाइप का सॉल्यूशन अपन को मिलने वाला। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इससे पहले आप लोग इसको नोट करेंगे। अब देखिए अगला थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इसी से रिलेटेड है लेकिन बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो ए वन अपॉन ए टू कॉमा बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब हमने बता ही दिया है क्या होता है। कंसिस्टेंट में जो लाइन्स होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है, वहाँ पे हमको यूनिट सॉल्यूशन मिलता है। एंड इनकंसिस्टेंट में हमको पैरेलल लाइन्स मिलती हैं। अब आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन के पेयर्स दिए हुए हैं, उनको देख के आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंसिस्टेंट वाला है और कौन सा इनकंसिस्टेंट वाला है। बात समझ में आ रही है, ये आपको बताना है। तो ये तो आप आराम से बता सकते हैं, चलिए मैं एक बता देता हूँ, बाकी आप लोग करेंगे इसके पार्ट। इसमें पार्ट दिए हुए हैं आपको, फाइव पार्ट दिए हुए हैं जिसमें से मैं एक बता देता हूँ, ठीक है। देखिए क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, साथ में मिलते करेंगे तभी तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और तभी तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अगर आप देखते ही जाएंगे, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे तो कहाँ से समझ में आएंगी, मज़ा नहीं आएगा फिर ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू में 5, पहली इक्वेशन ये दी हुई है फर्स्ट पार्ट में, और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है 2x माइनस का 3y इक्वल टू में 7, ये आपको दूसरी इक्वेशन दी हुई है। आपको बताना है ये इक्वेशन जो दी हुई है ये हमारी इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कैसे पता करेंगे, अब हम चेक करेंगे ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू का रेशियो। तो ए वन अपॉन ए टू का रेशियो पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू में 0, ठीक है। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू में 0, यही तो होती है। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 3x प्लस 2y प्लस का माइनस 5 इज इक्वल टू में 0, ये हो गई दूसरी। 2x माइनस का 3y, ठीक है, प्लस माइनस का 7 इज इक्वल टू में 0, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। चलिए ये इक्वेशन ए हो गई, ये इक्वेशन बी हो गई। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, कंपेयर करके ए वन ए टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ए वन है, ये बी वन है, ये सी वन है, ठीक है, सॉरी ये हमारा पूरा सी वन है, ये ए टू है, ये बी टू है, एंड ये पूरा सी टू है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो बोलेंगे कि अगर ए वन अपॉन ए टू की बात करें तो ए वन अपॉन ए टू है 3/2, बी वन अपॉन बी टू की बात करें तो बी वन अपॉन बी टू है हमारा 2/-3, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू है बी वन अपॉन बी टू के। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये है 3/2 और ये है ये है हम लिख सकते हैं 2/-3, या माइनस का 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे जब ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल नहीं होता है तो जो ग्राफ बनता है इक्वेशन का वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है। और हम बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसा है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। जो इक्वेशन मिलती हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, कंसिस्टेंट। यानी कि ये वाली जो इक्वेशन हमको पेयर दिए हुए हैं ये कैसे हैं, कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रूफ करके बताना है ये कैसा है, कंसिस्टेंट। इसी तरीके से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से।
चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट करना है, आप लोग कर सकते हैं, बाकी आप करेंगे और करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने एक करा दिया बस हो गया, आपको अपने मन से करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं करवा सारा सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओ थोड़ा सा काम बढ़ा दिया जो अपन को आता है। बात समझ में आ रही है? हमको ये तो चेक करना ही करना है कि ये कंसिस्टेंट है इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट है, साथ ही साथ इनको ग्राफ पे भी शो करना है। बस इतना सा ही काम हमको बढ़ा दिया है, तो हमको क्या करना है भाई साहब, एक इसमें का करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। चलिए करता हूँ। पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5 दिया हुआ है, दूसरी इक्वेशन इसी में दी हुई है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट हुई तो इनको ग्राफ पे शो करना है, अगर इनकंसिस्टेंट हुई तो ग्राफ पे शो नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सा आपको बताना है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे चेक करते हैं। अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो देखा जाए यहाँ से, तो a1 अपॉन a2 का रेशियो है 1:2, ठीक है। b1 अपॉन b2 का रेशियो देखा जाए, अब तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं ना भाई साहब, ये हमारा a1 है, यहाँ पे b1 है, यहाँ पे c1 है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे c1 है, ठीक है, ये a1 a2 है, b2 है, c2, तो ये तो डायरेक्ट देख सकते हैं ना। b1 अपॉन b2 का रेशियो अगर देखा जाए तो ये भी 1:2 है, तो हम बोलेंगे a1 अपॉन a2 का रेशियो बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के रेशियो के, और ये भी किसके बराबर आ रहा है, c1 अपॉन c2 के रेशियो के, ठीक है। अगर इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं तो देखिए ये भी c1 अपॉन c2 के रेशियो के आ रहा है, यानी कि ये हमारा कैसा है भाई साहब, ये तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चला गया। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा कैसा चला गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट है लेकिन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसको अपन ग्राफ पे शो कर सकते हैं, एक्स एंड वाई की आप लोग वैल्यू निकालिए, उसको ग्राफ पे शो कर दीजिए। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू, देखिए फिर से डब्बा बनाते हैं, डब्बा बनाना आता है, चलिए बनाइए हमारे साथ और कमेंट में बताइए फटाफट से। एक्स एंड वाई, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 5, ठीक है, और अगर वाई की वैल्यू 5 तो एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, 0। ये पहला डब्बा बन गया। दूसरा डब्बा बनाते हैं। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे अगर इक्वेशन को हमको छोटा करना है तो हम क्या यहाँ से 2 कॉमन लेके यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते, या हम बोल दें कि बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो भाई। अगर बोथ साइड अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5 नहीं बन जाएगी, हाँ यही तो बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो सॉल्यूशन आएंगे इस दूसरी वाली इक्वेशन के ना, ये भी सेम आएंगे, x एंड y की वैल्यू भी हमारी 0.5 and 0.5 आएगी। अब देखिए आपको सॉल्यूशन से ही साफ साफ दिख रहा है कि अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक ही लाइन बनेगी, ये जो दूसरी इक्वेशन की लाइन आएगी ये भी इसके ऊपर क्या करेगी, कॉइंसाइड करेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए मैं अच्छा ग्राफ बना के आपको प्रूफ भी कर देता हूँ, चलिए मैं ग्राफ बना के प्रूफ करता हूँ, ठीक है। रफ कर दिया इसको, देखते हैं। आपको नोट करना तो भैया पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, लापरवाही मत करना। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे मेजरमेंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, मेजरमेंट कर लिया। बात समझ में आ रही है? अब देखिए x पहली वाली इक्वेशन के लिए, x पे 5 तो y पे 0, x पे 5 तो y पे 0, यानी एक पॉइंट ये मिला 5, 0। दूसरा क्या बोल रहा है, x पे 0 तो y पे 5, x पे 0 तो y पे 5, एक पॉइंट हमको ये मिला 0.5। और दूसरी इक्वेशन की बात करें तो दूसरी इक्वेशन पे x पे 5 तो y पे 0, यानी कि दूसरा पॉइंट भी हमको यहीं पे मिल रहा है, एंड इसका भी दूसरा पॉइंट हमको यहीं पे मिल रहा है, यानी जो लाइन बनेंगी दोनों इक्वेशन की वो यही बनेंगी, और ये कैसी बनेंगी, स्ट्रेट लाइन, दोनों की दोनों लाइन एक के ऊपर एक क्या कर जाएंगी, कॉइंसाइड कर जाएंगी। इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये इसी के ऊपर क्या करेंगी, ये कॉइंसाइड करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा इनका। बात समझ में आ रही है? तो एक मैंने कर दिया, बाकी आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए रफ करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी के 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो आई होप आपको यहाँ के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपने सीख लिया कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उन सॉल्यूशन पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन किया, किस तरीके से ग्राफ पे शो करके हम लोग दिखा सकते हैं
कि इसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए आप लोग इसी तरीके से, ठीक है। बाय बाय।